नमस्कार, बहुत स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। दरअसल एनडीए संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी को आखिरकार अपना नेता चुन लिया, यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। संसद के पुराने भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। तो नई दिल्ली स्थित संसद के पुराने भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में एनडीए में शामिल सभी घटक दलों के नेता पहुंचे। इसके अलावा सभी नव निर्वाचित सांसद भी सेंट्रल हॉल में मौजूद रहे। इस दौरान नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। नरेंद्र मोदी के आते ही जो संसद का पुराना भवन है वो मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। और अब हम जब तस्वीरें आपको दिखाएंगे, 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और अलग अलग तरीके से संसद में भव्य स्वागत अभिवादन उनका किया गया। और ये 5 तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफ़ी हैं एनडीए किस तरह से फिलहाल खुद को बहुत मजबूत स्थिति में दिखा रहा है। स्वागत है, भारत माता की, भारत माता की। भारत संसद के पुराने भवन में कुछ इस तरह नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। भारत माता की। पूरा भवन मोदी मोदी के नारों से गूंज गया। नरेंद्र मोदी ने भवन में मौजूद नव निर्वाचित सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से चर्चा हुई। इसके बाद नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। संसद का पुराना भवन एनडीए के नव निर्वाचित सांसदों समेत अन्य नेताओं से भरा हुआ था। सब ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिन्होंने दिल जीत लिया। अब हम आपको भवन की वो 3 बेहद खास तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर वो है जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार मोदी के पैर छूने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोदी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। इस तस्वीर ने सभी सांसदों का ध्यान खींच लिया। दूसरी तस्वीर में नरेंद्र मोदी संविधान को नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको एक और बेहद खास तस्वीर दिखाते हैं। यह है चिराग पासवान। अपना भाषण खत्म करने के बाद चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और उनके पैर छुए। नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले से लगा लिया। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। एनडीए में सरकार बनाने को लेकर मंथन जारी है। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो जिस तरह का ये घटनाक्रम हो रहा है, अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में बतौर नेता नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव खुद राजनाथ सिंह ने रखा। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक बार फिर हमें संवेदनशील और शक्तिशाली नेता मिलने जा रहा है। नितिन गडकरी और अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन और अनुमोदन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम को एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में अनुमोदन किया। साथ ही कहा कि जेडीयू हर हालात में नरेंद्र मोदी के साथ रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी जल्द से जल्द काम शुरू करें, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। स्वागत है,
संसद के पुराने भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में बतौर नेता नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। बैठक में मौजूद नितिन गडकरी ने इसका समर्थन किया और अमित शाह ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके अलावा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे समेत अन्य नेताओं ने अपना समर्थन दिया। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा, ये दायित्व देने के लिए आपका आभार। एनडीए गठबंधन सच्चे अर्थों में भारत की असली स्प्रिट है। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। भारत माता की। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। सरकार गठन की बात हो या फिर जीत की, हर खास मौके पर नरेंद्र मोदी आडवाणी से जरूर मुलाकात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने के बाद संसद के पुराने भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा, साथ ही एनडीए सरकार और एनडीए का मतलब उन्होंने बताया। चलिए आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के भाषण में क्या क्या खास रहा, क्या उन्होंने कहा, किस तरह से उन्होंने कहा, विपक्ष पर कैसे हमला किया और धीरे धीरे ही सही। हम बार बार कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, दरअसल अभी भी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, पर अब चूंकि ये सारी प्रक्रिया नए तरीके से होगी। और क्या उन्होंने आज कुछ कहा है, जरा उस पर, बड़ी बातों पर गौर कर लिया जाए। नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें, एनडीए देश की स्पिरिट, सर्वमत से सरकार, विपक्ष पर प्रहार और ईवीएम ने जवाब दिया। ईवीएम को लेकर देखिए किस तरह की बातें चुनाव से पहले हो रही थी, आज उन्होंने कह दिया कि ईवीएम ने जवाब दे दिया। अब ईवीएम की बेवफाई पर कहीं कोई कोई बात नहीं कर रहा है, न हारे हैं न हारेंगे। और सबसे मार्के की बात जो उन्होंने कही, इसमें वो एक्सपर्ट भी हैं, एनडीए न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, एनडीए का फुल फॉर्म भी उन्होंने इस तरह से आज बताया है। तो प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासी जानते हैं कि ना हम हारे थे ना हारे हैं। 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार दिख रहा है वो दिखाता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। विजय के समय उन्माद पैदा नहीं होता, हम पराजय का उपहास भी नहीं करते, ये हमारे संस्कार हैं।
कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा, न हम हारे हैं और न हम हारेंगे। 10 साल पहले भी एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है। किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई, पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 3 लोकसभा चुनाव में जितनी सीट कांग्रेस को मिली है उससे ज्यादा सीट बीजेपी इस चुनाव में जीत चुकी है। अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़कर के कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। हर बार विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाकर हार का ठीकरा फोड़ देता है। इस बार नतीजों ने साफ कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार ईवीएम ने विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिया है। मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्षी गठबंधन तकनीक को स्वीकार नहीं करना चाहता। ये लोग चुनाव प्रक्रिया के प्रति लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहाँ पहुंच कैसे गया। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का विकास करना ही सरकार का लक्ष्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सुन रहे थे। और एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, एक और कार्यकाल की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। एनडीए सहयोगियों सांसदों के भरोसे के लिए इस ट्वीट के जरिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट, एक और कार्यकाल की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। ये बात उन्होंने कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया है। बैठक के ठीक बाद, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, उन्होंने आभार भी जताया है। एनडीए सहयोगियों और सांसदों के भरोसे के लिए आभार भी उन्होंने जताया है। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता दें। किस तरह से उन्होंने विपक्ष को घेरा है, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपने लगातार सुना। और अब उन्होंने
ट्वीट के जरिए आभार जताया है एनडीए के सहयोगियों का, सांसदों का। सीमा हैदर की खबरें अक्सर सामने आती हैं, वहीं पाकिस्तान से लौटी अंजू के बारे